चंडीगढ़ उन्हां दी राजधानी जरूर है जी, लेकिन चंडीगढ़ च उन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? चंडीगढ़ दे पंजाब या हरियाणा दा लोड है, उन्हां दे उत्थे सारे ऑफिस इत्थों ऑपरेट करदे आ, उन्हां दी विधानसभा, उन्हां दे हाईकोर्ट सब करदे ने, लेकिन हर स्टेट दा, हिमाचल दे विच तुसीं जाणदे हो तां हिमाचल दे विच बाहर वालियां तों ग्रीन टैक्स लिता जांदा, हिमाचल वालियां तों नहीं लिता जांदा। पंजाब च तुसीं जाणदे हो तां बैरियर ते सारयां नूं पे करना पैंदा, रोड टैक्स पंजाब सरकार लैंदी है, लेकिन जो असीं जाईए सानूं भी वो जिहड़े टोल बैरियर है प्लाजा से उत्थे जाना पैंदा। चंडीगढ़ के लोगों को पंजाब या हरियाणा के कोई किसी प्रकार का राजधानी होने तो बाद भी बेनीफिट नहीं मिलता गा, सानू कोई डोमिसाइल नहीं है साडा कि तुसीं राजधानी च रहिंदे हो तो तुहानू पंजाब हरियाणा दी नौकरियां दे विच कोई मिलेगा। सिंपल और सिंपल, तुसीं आए हो बाहर दीआं गड्डियां लोग आए आ, जे कोई विरला ही आंदा हुंदा, कोई वड्डा क्वेश्चन नहीं है, 15 रुपए की जगह 30 रुपए देने हैं, बस इन्ना क्वेश्चन है, कोई एडा वड्डा कोई चंडीगढ़ पंजाब तो अलग होने जा रहा है प्रश्न नहीं है। फिर जिहड़ियां भी बाहर दीआं गड्डियां जे कोई बहुत फ्रीकुएंटली आंदा और 300 रुपए का जिहड़ा है वो पार्किंग पास महीने का लै लवे, वो 300 रुपए का चंडीगढ़ वाले लिए भी है, 300 रुपए का बाहर वाले लिए। कि चंडीगढ़ के जिहड़े जिवें सेंट्रल यूटी है, बहुत सारे ऑफिस पंजाब हरियाणा के भी है, ट्रांसफर होकर भी लोग आए हैं, मतलब मेरे को कर्नाटका की गड्डी का नंबर है तो मैं इत्थे आके वो मेरे बाहर का नंबर होने करके वो लगेगा, असी उन्होंने जोड़ा है 300 रुपए का वो पास बना लें। चलो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेंद्र बबला जी और प्रदेश पार्टी के महामंत्री रामवीर भट्टी जी और चंद्रशेखर जी उपस्थित हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित जी से मिला था। इस डेलीगेशन में पार्टी के संगठन महामंत्री श्रीनिवास जी, शहर के मेयर अनूप गुप्ता जी और मेरे दोनों महामंत्री चंद्रशेखर जी और रामवीर भट्टी जी, ऐसे 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल शहर के बहुत सारे मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ के प्रशासक से मिला था। इसमें मोटे रूप से 4 बड़ी बातों को उन्होंने स्वीकार किया और जिस पर चंडीगढ़ के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। सबसे पहले तो पिछले दिनों जो 1979 में पुनर्वास के मकान दिए गए थे, उन मकानों के लोगों की एक लंबे समय से मांग थी कि उनको मालिकाना हक दिया जाए, और ये मांग जो है भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हमने रखी थी कि हम ये मालिकाना हक दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस बारे में कि ये कैसे हक दिलाया जाए अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल के साथ काम कर रही थी। बीच में जब ये 2 दिन पहले 25 सेक्टर में सर्वे करने के लिए लोग गए तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ये एक स्कीम प्रशासक के साथ मिलके जो है इसको बनाने का निर्णय ले लिया गया था कि एक सर्वे किया जाए पूरे चंडीगढ़ के इन पुनर्वास के मकानों का जो हज़ारों की तादाद में है, लगभग 13 के करीब कॉलोनीज़ हैं, वो डड्डू माजरा में भी हैं, वो अपना 37 में भी हैं, 38 में भी हैं, 29 में भी हैं, राम दरबार में भी हैं, धनास में भी हैं, सब जगह पे हैं। ये वो लोग थे जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे और बाद में इनको जो है मकान अलॉट हुए और मकान जो है आगे इन लोगों ने लगभग 80 से 90% लोगों ने आगे मकान जो है वो बेच दिए थे। एक बार बिका, 2 बार बिका, 3 बार बिका, 4 बार बिका, और इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको मलकियत उनकी उससे हासिल नहीं होती थी। वकीलों के राय से उन्होंने 5 डॉक्यूमेंट बनवाए क्योंकि ये मकान पॉलिसी के तहत जो अलॉटमेंट लेटर थी आप इसी को बेच नहीं सकते और 20 साल तक आपको लीज़ बनी देनी है। और ये निर्णय लोगों ने जब बेच दिए, किसी को ज़रूरत हुई वो चंडीगढ़ छोड़ के गाँव चले गए, तो उस वक़्त लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो तब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि इनके जिनके पास जो वहाँ पे GPA है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, उन्होंने 5 डॉक्यूमेंट बनाए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, एग्रीमेंट टू सेल बनाया, एफिडेविट बनाया, विल बनाई, ऐसे 4-5 डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने, उनको लगा कि हम ऑनरशिप ले लें, गुड फेथ में लोगों ने ये मकान खरीदे थे। तो अब चंडीगढ़ में ये सर्वे 25 सेक्टर से शुरू होने जा रहा था 2 दिन पहले, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये लोगों को भड़का कर कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया, जब लोगों को उनका जो है मालिकाना हक मिलने जा रहा था, उस वक़्त उस प्रोसेस को बाधा डालने का काम
चंडीगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है लक्की जी ने किया। और इसी प्रकार से जो है हमारी जो 25 सेक्टर से प्रत्याशी थी उसका पुतला आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के लोगों ने जलाया कि बीजेपी ये सर्वे करा रही है। बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी ये सर्वे करवा रही है। वो सर्वे इस कारण से करवा रही है कि लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कौन उसमें उस वक्त मालिक है, ये पता लगाकर 2 महीने के अंदर इस सर्वे को कंप्लीट कर 3रे महीने में उनको मालिकाना हक दिए जाए। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की मैं बहुत निंदा करता हूं कि जब गरीब आदमियों का हक मिलने का समय था तो उसमें उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की है। और जब ये हो गया, कल हमने जब डेलीगेशन हमारा मिला था तो हमने प्रशासक महोदया से ये मांग की थी कि वो कल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में ये घोषणा करे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आपको चंडीगढ़ की जनता की तरफ से आपका तय दिल से धन्यवाद करेगी। आज सुबह एडवाइजरी काउंसिल में प्रशासक महोदया ने पूरी घोषणा की है, अभी एडवाइज़र साहब भी और मेयर साहब भी ऑफिशियली इसको अनाउंस भी करेंगे। लेकिन आज मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से मांग थी और बड़े ज़रूरत इसकी थी कि गरीब आदमी जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगाकर, मेरे से कल से डेलीगेशन के डेलीगेशन अलग अलग कॉलोनी से आ रहे थे और हमने सबको अशोर किया कि भाई साहब आप सर्वे करने दीजिए और आप सबको हम मालिकाना हक देंगे। आज भी अभी 4 बजे से लेके 6 बजे तक यहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल ये प्रेस वार्ता ख़त्म होते होते तक कुछ लोगों का आना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जायज़ मांग को पूरा करवाया है, अपना चुनावी वादा पूरा किया है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इसमें विघन डालने की कोशिश की है। और इससे हास्यास्पद तो तब हो गया कि जब एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में प्रशासक महोदया ने जो है इस बात की घोषणा की तो कांग्रेस के प्रधान जो है वो वाहवाही लूटने के लिए जो है उसी वक्त एक मैसेज बना के वायरल करने लग पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि लक्की जी 25 सेक्टर में जाके आप सर्वे रुकवा रहे थे तो आप कह रहे हो कि मालिकाना हक कांग्रेस की डिमांड पे, ये कांग्रेस ने कब मांग की थी, किसके आगे मांग की थी? कल हम प्रशासक से मिले थे, कांग्रेस पार्टी किससे मिल के आई थी? उन्होंने कहा मैंने कल भी बात की थी, आज भी बात की है। जब उन्होंने घोषणा कर दी उसके बाद लक्की जी कह रहे हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ना उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में मांग की, ना वो एडवाइज़र से मिले, ना वो प्रशासक से मिले, लेकिन वाहवाही लूटने अब उनको लगा। और वो सर्वे रोकने गए थे 25 सेक्टर में, वहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और वो उस काम को रुकवाना चाहते थे जो सैकड़ों लोगों को मालिकाना हक दिलाने जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी राहत मैं समझता हूँ कि एक जीवन का सबसे बड़ा उपहार, मुझे ऐसे लोगों के मैसेज आए हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है कि जो हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से हमने मकान खरीदा था आज हम उसके मालिक बनने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया। मैं कंप्लीट कर दूँ। दूसरा जो है चंडीगढ़ में 23 गांव हैं, चंडीगढ़ जो है 51 गांव पे बनाया गया था, 51 गांव पे ऊपर चंडीगढ़ को बसाया गया था, 28 गांव जो हैं वो बिल्कुल उजाड़ दिए गए थे और जो उजड़े हुए गांव थे उनको कोई मुआवजा उस वक्त की कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया। इतने बड़े बड़े मतलब वो बालों की छत होती थी, 100 रुपये बाले के हिसाब से जो उसका कंपनसेशन दिया गया, ना कोई रसोई का, ना कोई बाड़े का, ना कोई वेड़े का, कोई कंपनसेशन नहीं। प्रॉमिस किया गया था कि आपको जिसका मकान लिया है उसको मकान देंगे, जिसकी दुकान ली है दुकान देंगे, लेकिन वो आज भी पेंडू संघर्ष समिति बना के लोग दर दर भटक रहे हैं। कोई भी राहत उन 28 गांव को नहीं दी गई और जायज़ मुआवजा नहीं दिया गया। और 23 गांव ऐसे थे जो समय समय पर लास्ट में 13 गांव 2018 में नगर निगम में आए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सब पंचों सरपंचों को लेकर तब के प्रशासक के साथ ये बात रखी थी कि सारे गांव आप नगर निगम में बुलाइए, हम लोग जो हैं गांव का विकास जो है शहर की तर्ज पे करेंगे। जब गांव में शहर बसने लगा, इन गांव में भी आप पशु नहीं रख सकते, आप खेतीबाड़ी के लायक उतनी ज़मीन नहीं है, तो उस वक़्त लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, किसी ने कोई रेलवे स्टेशन के पास था दड़बा में तो गोदाम बना लिए, कोई किसी ने होटल बना लिए, किसी ने गेस्ट हाउस बना लिए, किसी ने जो हमारे पूर्वांचल के भाई आए थे उनको किराए पे देने के लिए मकान बना लिए।
तो ये उनका रोजगार चलाने के लिए, क्योंकि जो किसान भाई हैं वो या तो डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं या किसानी कर सकते हैं, तो अपना अपना अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और अपने रहने के लिए लोगों ने लाल डोरे के बाहर जो कंस्ट्रक्शन की थी लगातार जो है उस पर जो है वो गाज गिरने का एक डर सताता रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से कोई भी जो पुरानी कंस्ट्रक्शन सी उसको टूटने नहीं दिया, और हमने हमेशा से ये वादा किया था कि हम इस जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाल डोरे के बाहर है इसको रेगुलराइज कराएंगे। कल डेपुटेशन द्वारा डिटेल में ये डिस्कस किया गया प्रशासक महोदया के साथ, और उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है मास्टर प्लान में जो भी अमेंडमेंट करके जिस प्रकार से भी इसकी प्लानिंग हो, मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, एडवाइज़र साहब से भी बात हुई है, इन लोगों को ये कि जल्द से जल्द कोई इस तरीके की पॉलिसी लाकर इसमें जो भी उचित कार्रवाई करनी है करके चंडीगढ़ के 23 गांव में लाल डोरे के बाहर बनी सारी निर्माण को, सारी कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज किया जाए, नियमित किया जाए। एक बहुत बड़ा सपना साकार होने जैसा चंडीगढ़ के गांव वालों को एक तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों की जमीनों पर गांव ये चंडीगढ़ बसाया गया है, आज उनके जीवन में एक बड़ा सुनहरी पल है कि उनको जो है उनका सही मायने में हक मिलने जा रहा है, उनकी सारी कंस्ट्रक्शन को प्रशासन नियमित करेगा, ये हमारी मांग प्रशासक ने मांगी है। तीसरा, हमारे पड़ोसी राज्य चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, सब जगह जो सी फॉर्म थे, सी फॉर्म की उपलब्धता ना होने के कारण से बैंक खाते सील करने के नोटिस चंडीगढ़ के व्यापारियों को आ रहे थे। लगातार हम मांग करते आ रहे थे, हर बार मेमोरेंडम भेजते थे, 3 बार वो वन टाइम सेटलमेंट OTS पॉलिसी बनाने से नकारा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग करती रही और पिछले दिनों इसका प्रोसेस शुरू हुआ और वो लगातार चल रहा है। पीछे में दोबारा उसको एक नए प्रपोजल जिसमें और राहत मिलेगी पंजाब की तर्ज पर, वो दोबारा फाइनेंस सेक्रेटरी के पास सबमिट होने जा रहा है। कल हमने प्रशासक से मांग की कि आप OTS स्कीम को जल्द से जल्द जो है वो लागू करके सी फॉर्म की अनिवार्यता को ख़त्म करके जो है लोगों को एक लमसम अमाउंट जो रीजनेबल है वो लेके जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि सब ने अपना टैक्स पे किया हुआ है। और इस ये मांग को भी प्रशासक ने मांग के तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक समयबद्ध के तहत जो है वो OTS स्कीम को लाया जाए, वन टाइम सेटलमेंट, जिससे शहर के हजारों व्यापारियों को, ट्रेडर्स को बहुत बड़ी राहत जो कल भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। चौथा, चंडीगढ़ में जितने भी अभी आपने एक फैसला भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने किया कि चंडीगढ़ के इतिहास में इतने सालों से जो कांग्रेस के शासन में 2 पहिया वाहनों पर पार्किंग लगती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्किंग को टोटली फ्री कर दिया। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, गरीब तबका है, उन सबको एक बड़ी राहत तब दी थी। और पिछले दिनों एक प्रशासन ने फैसला किया कि रोड टैक्स में वृद्धि की गई थी, ईवी व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकलों का रोड टैक्स माफ़ किया गया ईवी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन रोड टैक्स में जो है वो भारी वृद्धि हुई थी। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक को इस बात के लिए कन्विंस किया कि आप जो महंगी गाड़ियां खरीदते हैं लोग, उनसे आप जो वसूलना चाहिए, जो जिस प्रकार से लगता है वो पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन आज आम मिडिल क्लास का आदमी जो है या लोअर मिडिल क्लास का आदमी 15 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीद सकता, और 15 लाख की गाड़ी, 15 या 15 के नीचे की गाड़ी आज समय की ज़रूरत है, लग्जरी नहीं है, ये आम आदमी मिडिल क्लास की ज़रूरत है, उसकी फैमिली की ज़रूरत है। तो इसके तहत हमने एक मांग की कि जो 15 लाख से कम की गाड़ियां हैं और जो टू व्हीलर टोटली पेट्रोल डीजल के टू व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटर, इन सब पे जो है वो जो रोड टैक्स में वृद्धि की गई थी रजिस्ट्रेशन पे, उसको वापस लिया जाए, जिसका जो है प्रशासक द्वारा सकारात्मक जवाब दिया गया। उन्होंने हमारी ये चारों मांगों को मानते हुए उचित कार्रवाई करने का जो है वो हमें आश्वासन दिया और उस कार्रवाई को पाइपलाइन में डाल दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ के चाहे वो गांववासी हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो हमारा मिडिल क्लास या लोअर तबका है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि ये बहुत बड़ी चार मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने कल पूरा करवाया है और जल्दी इसको हम जो है वो इसका जो बेनिफिट है लोगों तक वो प्रशासन के माध्यम से पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है, आगे भी जो चीज़ें हैं जितनी भी और पेंडिंग चीज़ें हैं उसके लिए भी हम प्रशासक महोदया से समय समय पर मिलकर हम अपनी सारी जितनी शहर की मांगे जायज़ मांगे हैं जो पेंडिंग हैं उन सबको पूरा करेंगे। मैं शहर की जनता को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में उनका विश्वास और उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता आ रहा है वैसा ही विश्वास और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। नहीं नहीं, पिंड जाड़न का मुआवजे की नहीं मैं गल की, वह तो हो चुका मुआवजा खत्म हो गया। मैं कह उत्थे न्याय नहीं होया सीगा, जो लोगों नू उचित मुआवजा नहीं दिता गया, उन्होंने बदले दे विच मकान या दुकाना नहीं दित्तियां गया। हुण जिहड़ी उन्होंने अपनी जमीन ते लाल डोरे तो बाहर कंस्ट्रक्शन कर ली, गोदाम बना लिया, होटल बना लिया, घर बना लिया, दुकान बना ली, उन्हों प्रशासन रेगुलराइज कर जा रहा है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी सूसा, 2014 के अंतर्गत 5 नंबर को शिफ्ट करके धनास में शिफ्ट किया गया, तो उस समय धार्मिक स्थल को क्यों नहीं शिफ्ट किया गया, प्रशासन ने उनके धार्मिक स्थल क्यों नहीं बताए? ऐसे प्रशासन बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जी शहर में, सब जगह प्रशासन जो है एक लिमिट में होता है, हर एक सेक्टर में एक मंदिर गुरुद्वारा हो बहुत है हर जगह जगह पे, वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी मंदिर भी है और अभी मस्जिद का पीछे जब वो उन्होंने पार्क में बनाई हुई थी एक मंदिर और मस्जिद, तो मैंने डीसी साहब से बात करके कि ईद का वक़्त है और वो इनको अभी ना वो तोड़ा जाए, तो उनकी ये मांग थी, तो उन्होंने अब उनके लिए कोई अल्टरनेटिव जगह देखेंगे। नहीं, चंडीगढ़ उन्हां दी राजधानी जरूर है जी, लेकिन चंडीगढ़ च उन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? चंडीगढ़ ते पंजाब या हरियाणा दा लोड है, उन्हां दे उत्थे सारे ऑफिस इत्थों ऑपरेट करदे, उन्हां दी विधानसभा, उन्हां दे हाईकोर्ट सब करदे ने, असीं इस चीज़ तो स्वीकार नहीं करते। लेकिन हर स्टेट दा, हिमाचल दे विच तुसीं जाणदे हो तां हिमाचल दे विच बाहर वालियां तों ग्रीन टैक्स लिता जांदा, हिमाचल वालियां तों नहीं लिता जांदा। पंजाब च तुसीं जाणदे हो तां बैरियर ते सारयां नूं पे करना पैंदा, रोड टैक्स पंजाब सरकार लैंदी है, लेकिन जो असी जाइए सानू भी वो जो टोल बैरीयर है प्लाजा उत्थे जाना पैंदा है। चंडीगढ़ के लोगों को पंजाब या हरियाणा के कोई किसी प्रकार का राजधानी होने तो बाद भी बेनीफिट नहीं मिलता गा, सानू कोई डोमिसाइल नहीं है साडा कि तुसी राजधानी च रहने हो तो तुहानू पंजाब हरियाणा दी नौकरियां दे विच कोई मिलेगा, और एड्डा वड्डा नहीं है, सिंपल और सिंपल। तुसी आए हो बाहर दीयां गड्डियां लोग आए आ, जे कोई विरला ही आंदा हुंदा, कोई वड्डा क्वेश्चन नहीं है, 15 रुपए की जगह 30 रुपए देने हैं, बस इन्ना क्वेश्चन है, कोई एड्डा वड्डा कोई चंडीगढ़ पंजाब तो अलग होने जा रहा है प्रश्न नहीं है। और फिर जिहड़ियां भी बाहर दीयां गड्डियां जे कोई बहुत फ्रीकुएंटली आंदा है और 300 रुपए का जिहड़ा है वह पार्किंग पास महीने का लै लवे, वो 300 रुपए का चंडीगढ़ वाले लिए भी है, 300 रुपए का बाहर वाले लिए भी, इस करके वो कोई एड्डी वड्डी नहीं, और ये बहुत वड्डी राहत दी गई है। 300 रुपए का पास मतलब 10 रुपीज़ डेली, 89 पार्किंग डेली, बहुत वड्डी राहत एक दी गई। हाँ नहीं, जे पास जो है वो दोनों के लिए 300 रुपए का ही, आप जैसे वो हमने फैसला इस कारण से लिया कि चंडीगढ़ के जड़े जिमें सेंट्रल यूटी है, बहुत सारे ऑफिस पंजाब हरियाणा के भी है, ट्रांसफर होके भी लोग आए हैं, मतलब मेरे को कर्नाटका की गड्डी का नंबर है तो मैं इतने आके वो मेरे बाहर का नंबर होने करके वो लगेगा, असी उन्होंने जोड़ा है 300 रुपए का वो पास बना लें, और ट्राई सिटी के कॉन्सैप्ट असी मान्यता दी है, मोहाली पंजाब दियाँ गड्डिया के उत्ते मोहाली और पंचकूले की गड्डिया के उत्ते उन्ना ही जोड़ा है वो एंट्री पार्किंग फीस रहेगी। कौन सी नहीं, कोई बात नहीं, गवर्नर साहब अगर कोई आदेश देंगे तो उसको जो भी होगा वो करेंगे, पर लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में कोई हमारे पास उसकी जानकारी नहीं। नहीं नहीं, मेरी अपील है जी कि चाहे वह मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, कोई भी धार्मिक स्थान है, वो जायज़ जगह पर ही बनना चाहिए, परमात्मा का भी
ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, आधार जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। मान लीजिए मेरा मकान था, मैंने रामवीर जी को बेच दिया, तो रामवीर जी के पास जीपीए है, तो ये अपना वही तो ये सोसाइटीज़ के केस में भी जीपीए पे रोक थी, तो सोसाइटीज़ के केस में भी जीपीए पे जो है वो अपना अप्रूव की गई और वो ट्रांसफ़र हुई थी। ऐसे ही नॉर्मल से एक कन्वर्शन चार्जेस जो हैं वो लगेंगे और ये मकान आपके नाम हो जाएगा। और ये एक जीपीए नहीं, सिंगल जीपीए नहीं, मैंने रामवीर को बेचा, रामवीर ने शेखर को, शेखर ने बबला जी को, अगर पांच बार भी बिका तो पांचवें बार को वाले को भी ओनरशिप मिलेगी। बड़ी बात है, ये जो मकान थे जो बेचे गए हैं ये सारे मकान किराए पर दिए गए थे, ये हाँ जी ओनरशिप नहीं थी, ये जिस टाइम फर्स्ट टाइम ये जब बिके हैं ये उस समय गलत बिके हुए हैं, क्योंकि वो कोई मालिकाना हक उनके पास था ही नहीं, तो वो जीपीए कैसे बन गई? मैं बिल्कुल, वो किराए पे दिए गए थे, 20 साल की लीज पे दिए गए थे, 20 साल की लीज पे दिए गए थे, 20 साल तक आप लीज, और 79 की अलॉटमेंट है, उस 79 की पहली अलॉटमेंट है। अब 20 साल की जो आपकी अलॉटमेंट है उसके बाद 20 साल तो 79 के बाद 99 में पूरे हो गए, आज भी लोगों से पैसा लिया जा रहा है। एक नंबर, एक नंबर दो, ये कानूनी गलत था तभी तो इनको मालिकाना हक नहीं मिला। अब वही तो पॉलिसी लाई जा रही है कि जीपीए की को वैधता दी जाए या और क्या करने वाला है, जो भी इसकी मोडेलिटीज़ होंगी वो तय की जाएंगी और ये 2 महीने के सर्वे के बाद जो है वो मालिकाना हक जो है वो दे दिए जाएंगे, सबको अलॉटमेंट लेटर्स दी जाएंगी विद फ्री होल्ड। हाँ जी, जिनके 20 साल पूरे, सबके पूरे हो चुके हैं, ये जितने भी कौन सी जो भी फिर वो अमाउंट बचता होगा, ये मॉडेलिटीज मैंने कहा तय की जाएंगी, ये मॉडेलिटीज तय की जाएंगी कि अगर उनकी कोई लीज मनी बचती है उन्होंने देनी है तो वो लमसम में जमा कराएंगे, जो भी पैसा क्या लेना देना इसी बारे में पॉलिसी बनेगी। लेकिन प्रिंसिपली हमने हमारे डेलीगेशन के आगे, कल उन्होंने प्रशासक महोदया ने इस चीज़ को हमारी को स्वीकारा, आज उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल में इसकी घोषणा की और जो है इसके कारण से हम आज उनका धन्यवाद करने के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरी चंडीगढ़ की जनता की तरफ से ये चार मांगे माने जाने पर पूरे चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का और सारे प्रशासन के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनता की जो है वो जायज़ मांगों को, हालांकि समय लग गया लेकिन स्वीकार के लिए, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। अच्छा।